हे गाइस, वेलकम टू टेक फॉर आवर माइंड। तो आज की वीडियो फिर से हम दो जॉब अपडेट्स के बाद देखने वाले हैं, जो कि फर्स्ट एसेंचर की तरफ से आ रही है। तो एसेंचर कंपनी अभी हायरिंग करने वाली है एसी रोल के लिए, प्रोफेशनल के लिए। एंड इसके अलावा सेकेंड अपडेट माइंड डोमी कंपनी की तरफ से आ रही है। तो माइंड डोमी कंपनी अभी हायरिंग करने वाली है फुल स्टैक रोल के लिए, जिसके लिए आप सभी को काफी अच्छे पैकेज मिलने वाला है। एंड इसके लिए मल्टीपल बैच एलिजिबल होने वाले हैं। आप लोग 18 बैच के स्टूडेंट हो, 19, 20, 21 बैच के स्टूडेंट हो, 22 बैच के स्टूडेंट भी हो, एलिजिबल होने वाले अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में आपके एलिजिबिलिटी के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, सब कुछ हम देखने वाले हैं। एंड इन दोनों के अप्लाई करने का लिंक आपको मिलने वाला है, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करेगा, अप्लाई करेगा एलिजिबल होते हो। तो बात करें पहले एसेंचर के बारे में। तो एसेंचर कंपनी अभी हायरिंग करने वाली है एसी रोल के लिए। एंड इस जॉब रोल के लिए आप सभी को 4.5 का पैकेज मिलने वाला है पर एनम के हिसाब से। बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो कंपनी ने मेंशन करा हुआ है आप लोगों ने बीई टेक करा हुआ है, एमई एम टेक करा हुआ है, एमसी एमएससी करा हुआ है, आप एलिजिबल होने वाले हो, अप्लाई कर सकते हो। एंड आप लोगों ने अपना बीई टेक, एमई एम टेक, एमसी किसी भी ब्रांच से करा हुआ है, लाइक सीएस, आईटी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, एक्स वाई जेड, अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल होने वाले हो। एंड आप लोगों ने एमसी करा हुआ है एंड आप लोग सीएसआईटी के स्टूडेंट हो तो ही एलिजिबल होने वाले हो। इसके अलावा आपने किसी और ब्रांच से करा हुआ है एमएससी, आप एलिजिबल नहीं होने वाले, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। एंड इस जॉब के लिए मार्क्स क्राइटेरिया नहीं होने वाला, आपके मार्क्स कम है आपके 10th में, आपके 12th में, आपके ग्रेजुएशन में 60% से अप्लाई कर सकते हो। एंड कंपनी ने गैप भी अलाउ करा हुआ है आपके एजुकेशन में, आपका 10th के बाद गैप है, 12th के बाद गैप है, मैक्सिमम 1 ईयर तक का अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल होने वाले हो, अप्लाई कर सकते हो। बट आप सभी की बैकलॉग नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, बैकलॉग है क्लियर कर लेना, अदरवाइज आपको जॉब नहीं मिलने वाली कंपनी में। एंड वन मोर पॉइंट, आप लोगों के पास एक्सपीरियंस भी है अप टू 11 मंथ तक का, आप भी एलिजिबल होने वाले हो, अप्लाई कर सकते हो। 11 मंथ से ज्यादा का है आप एलिजिबल नहीं होने वाले, 11 मंथ से कम का है अप्लाई कर सकते हो, आपको जॉब मिल सकती है कंपनी में। बात करें बैच के बारे में, तो आप लोग 22 बैच के स्टूडेंट हो तो ही एलिजिबल होने वाले हो, एक ही बैच एलिजिबल है, इसके अलावा किसी भी बैच के स्टूडेंट हो आप एलिजिबल नहीं होने वाले, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अदर जॉब्स के लिए कैपजेमिनी हायरिंग कर दी है, केपीएटी हायरिंग कर दी है, ईपीएम हायरिंग कर दी है, इन सभी की हायरिंग हो रही है, चेकआउट करिए चैनल पर, आपको लिंक भी मिलने वाला है, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करेगा, अप्लाई करेगा। ना बात करें जॉब लोकेशन के बारे में, तो कंपनी का मल्टीपल लोकेशन है, एग्जाम्पल के लिए बेंगलुरु है, हैदराबाद है, पुणे है, मुंबई, चेन्नई, गुड़गांव, कोलकाता, मल्टीपल लोकेशन है। आपको जिस भी लोकेशन पर जॉब चाहिए आप लोग बता सकते हो एचआर को, आपके एक आपको जॉब मिलने वाली कंपनी में। एंड वन मोर पॉइंट, इसकी लास्ट डेट मेंशन नहीं की गई है, जल्दी से जल्दी अप्लाई करेगा, आप लोग एलिजिबल होते हो तो। एंड अप्लाई करने के लिए सिंपली एक ऑप्शन मिलने वाला है अप्लाई वाला, उस पर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद आपको सिंपली एक ऑप्शन मिलने वाला है अकाउंट वाला, आपको अकाउंट ऑलरेडी है लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने का फॉर्म फिलअप करेगा, फॉर्म फिलअप करने की प्रॉब्लम आती है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो चेकआउट करेगा, अप्लाई करेगा, आपको जॉब मिल सकती है सेंटर में। एंड कंपनी बल्क हायरिंग करने वाली है तो डेफिनेटली अप्लाई करेगा, आपने पहले अप्लाई नहीं करा हुआ है तो। बात करते सेकेंड जॉब के बारे में, जो कि माइंड डोमी कंपनी तरफ से आ रही है। तो माइंड डोमी कंपनी अभी हायरिंग करने वाली फर्स्ट रोल के लिए। एंड इस रोल के लिए आप सभी को 7 LPA तक का पैकेज मिलने वाला है पर एनम के हिसाब से, जो कि डिपेंड करने वाला है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर। जैसे भी आप लोग परफॉर्म करोगे आपके इंटरव्यू के टाइम पर, सिलेक्शन प्रोसीजर के टाइम पर, उसी के अकॉर्डिंग आपका पैकेज डिसाइड होने वाला है कंपनी में। एंड आफ्टर सिलेक्शन जो आपकी जॉब की लोकेशन होने वाली है वो बेंगलुरु होने वाली है, कंपनी का एक ही लोकेशन है, आपको जाना पड़ेगा लोकेशन पर आप लोग सेलेक्ट होते हो कंपनी में। तो बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो कंपनी ने मेंशन करा हुआ है आप लोग 18 बैच के स्टूडेंट हो, 19 बैच के स्टूडेंट हो, 20, 21 एंड 22 बैच के स्टूडेंट हो, एलिजिबल होने वाले हो, अप्लाई कर सकते हो। एंड काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी 18 बैच के लिए, 19 बैच के लिए, 20 बैच के लिए, आपके पास कोई जॉब नहीं अप्लाई करेगा। कंपनी काफी अच्छी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जॉब रोल काफी अच्छा है, पैकेज काफी अच्छा है, अप्लाई करेगा डेफिनेटली, एलिजिबल होते हो तो। बात करें डिग्री के बारे में कि कौन कौन सी डिग्री अप्लाई कर सकती हैं, तो कंपनी ने मेंशन करा हुआ है आप लोगों ने बीई टेक करा हुआ है आप लोग एलिजिबल होने वाले हो, अप्लाई कर सकते हो। एंड जो भी आपने बीई टेक करा हुआ है वो सीएसआईटी ब्रांच से करा हुआ है तो ही एलिजिबल होने वाले हो, इसके अलावा किसी और ब्रांच से करा हुआ है आप एलिजिबल नहीं होने वाले, दो ही ब्रांच एलिजिबल है। एंड प्लस इस जॉब के लिए मार्क्स क्राइटेरिया भी होने वाला है, आप सभी का मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए आपके 10th में, आपके 12th में, आपने ग्रेजुएशन करा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ है, 70% मार्क्स है, विद नो एक्टिव बैकलॉग अप्लाई कर सकते हो, आपको जॉब मिल सकती है कंपनी में। ना बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करने के बाद आपका टेस्ट का मेल आने वाला है जो कि ऑनलाइन होगा, आपका टेस्ट टेस्ट क्लियर करोगे देन टेक्निकल राउंड होने वाला है, एचआर राउंड होने वाला है, लास्ट में आपको जॉब मिलने वाली कंपनी में। एंड आपका टेस्ट एंड टेक्निकल राउंड सब कुछ ऑनलाइन होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है किसी के लिए भी। ना बात करें अप्लाई कैसे करना है, जो कि मेन पॉइंट है, अप्लाई करने के लिए नीचे आएगा आपको सिंपली एक फॉर्म मिलने वाला है, आपको सिंपली फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, मैं अपनी वैलिडिटी वेरीफाई कराएगा, वेरीफाई कराने के बाद आपका नेम सिटी मेंशन करेगा, स्टेट मेंशन करेगा, आपकी डिग्री मेंशन करेगा, पासिंग में मेंशन करेगा, देन 10th के मार्क, 12th के मार्क फिलअप करेगा, देन आपका इसको एक्सपीरियंस है फिलअप कर सकते हो, अदरवाइज 0 फिलअप करेगा, नोटिस पीरियड में 0 फिलअप करेगा। आप लोग फ्रेशर हो तो देन उसको सबमिट पर क्लिक करेगा, आपको अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई करने का थोड़ा वेट करेगा, आपका टेस्ट का मिलने वाला है, टेस्ट क्लियर करोगे
इंटरव्यू होगा एंड उसके बाद आपको जॉब मिलने वाली है फुल स्टैक की। एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कंपनी काफ़ी अच्छी अप्लाई करेगा एलिजिबल होते हो तो आई होप आपको कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो चेकआउट करेगा, अप्लाई करेगा अदर कंपनियों के लिए भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड गुड बाय।